शुरुआत करें उससे पहले आप सभी से एक सवाल है, आपकी नजर में आतंकी कौन है, हमास या फिर इजराइल? अब आपको मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा कि ये मैं कैसा सवाल आपसे पूछ रही हूँ। जाहिर सी बात है कि हमास, सब जानते हैं कि हमास एक आतंकी संगठन है। आप सोच रहे होंगे कि जिस तरह से महिलाओं और बच्चों के साथ वो बर्बरता कर रहे हैं, उस हिसाब से एक कट्टरपंथी और आतंकी सोच के लोग ही हमास का समर्थन कर सकते हैं। लेकिन आपका ये गुस्सा मुझ पर नहीं निकलना चाहिए, जिसकी वजह से मैंने ये सवाल पूछा उस पर निकलना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि वो है कौन, तो बता दें कि वो है इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान। उनको इसराइल आतंकी लगता है, पीएम मोदी गद्दार, इन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने अपने बयान में किया है। दरअसल इसराइल और हमास के बीच जारी जंग में मौलाना तौकीर रजा कूद पड़े। उन्होंने पीएम मोदी को लेकर एक विवादित बयान दिया है। तौकीर रजा ने पीएम मोदी को गद्दार बताते हुए कहा कि उन्होंने देश को काफी नुकसान पहुंचाया है। साथ ही रजा ने इसराइल को आतंकी देश करार दिया है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा, हम किसी फिरके के लिए काम नहीं कर रहे, ये देश के मुसलमानों और खासकर देश के लिए है। आज हमारी शिनाख्त खत्म की जा रही है। बीजेपी से हमारी जाति दुश्मन नहीं है, बीजेपी से हमारी जाति दुश्मनी नहीं है, हम सेक्युलरिज्म को फॉलो करते हैं और वो इसका दिखावा करते हैं। ये लोग मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए देश को नुकसान पहुंचाने से भी पीछे नहीं हटते। चेतन ने जैसे ट्रेन में मुसलमानों को मारा, वैसे ही अपने हिंदू साथी को भी मारा। तौकीर रजा ने आगे कहा, एयर इंडिया को इसलिए बेचना पड़ा क्योंकि हज पर जाने वाले लोगों का पैसा उसे मिलना बंद हो गया। हज सब्सिडी बंद करने के बाद एयर इंडिया को बंद करना पड़ा क्योंकि एयर इंडिया हजियों के पैसे से चलता था। नरेंद्र मोदी ने देश को जितना नुकसान पहुंचाया है, उतना नुकसान अंग्रेजों ने भी नहीं पहुंचाया। कांग्रेस ने मुसलमानों को जितना नुकसान किया, उतना अगले 10 सालों में भी बीजेपी नहीं कर पाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी पर विवादित बयान देते हुए तौकीर रजा ने कहा, नरेंद्र मोदी गद्दार है। मैं मोदी को गद्दार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने देश को नुकसान पहुँचाया है। असल में कोई आतंकवादी है तो इसराइल है, फिलिस्तीन मजलूम है। पीएम को इसराइल का जुर्म कभी नहीं नजर आता है, असल में अगर कोई जालिम है तो पीएम और उनके साथी हैं। मोदी जी ने इसराइल की हिमायत करके बीजेपी की रूह को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। वाजपेयी जी ने भी फिलिस्तीन का साथ दिया था। तौकीर रजा के विवादित बयान के बाद बवाल मचना तय माना जा रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब रजा ने कोई विवादित बयान दिया हो, पहले भी वो अपने बिगड़े बोल के लिए जाने जाते रहे हैं। फिलहाल इस विवादित बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।